हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन कंसेप्ट। तो आज मैं हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं 5 अक्टूबर 2017 का एमटीएस का क्वेश्चन। सिर्फ आपका जीके से रिलेटेड क्वेश्चन ही मिलेगा इस वीडियो में, ठीक है। तो लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछ दिया गया था व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ उजाला, ठीक है। ये स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसका आंसर होगा आपका उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ दिया गया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर द विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आंसर होगा आपका पार्ट 4 से रिलेटेड था, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका था विच इज़ द लॉन्गेस्ट डे इन समर सोल्स्टिस, तो आंसर होगा आपका जून 21 को, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ईजी था, जो क्वेश्चन था आपका लॉन्गेस्ट डेजर्ट बताना था, ठीक है, जिसका आंसर होगा सहारा डेजर्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हु डिस्कवर्स न्यूट्रॉन, तो आंसर होगा जेम्स चार्लविक, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ दिया गया था हु ऑथर्ड द बुक दास कैपिटल, तो आंसर होगा कार्ल मार्क्स, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट कर दिया गया क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द कलर ऑफ द लिम्फ फ्लूइड, तो आंसर होगा आपका इस कलरलेस होता है, ठीक है, ऑप्शन में दिया गया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग विथ इंडिया इन मालवाड़ ज्वाइंट एक्सरसाइज, तो इस कौन सा कंट्री था, आपको ऑप्शन वाइज देख सकते थे इसमें, जिसका आंसर होगा आपका यूएस एंड जापान, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ दिया गया था हाउ मेनी इलेक्टेड मेंबर इन राज्यसभा, तो आंसर होगा 238। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनआईसी इन कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज में आपका फुल फॉर्म क्या होगा एनआईसी का, तो आंसर होगा आपका नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच इंडियन साइंटिस्ट वॉन 2017 डैन डेविड अवार्ड, तो आंसर होगा आपका श्रीनिवास कुलकर्णी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हम लोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था लोधा कम्युनिटी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो आंसर होगा क्रिकेट, ठीक है। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मटेरियल इज हीटेड टू फॉर्म ए प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो आंसर होगा आपका जिप्सम, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ दिया गया था मधुबनी पेंटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको हम लोग मिथाली पेंटिंग नाम से भी जानते हैं, ठीक है। व्हेन डिड द मुस्लिम लीग फर्स्ट पुट फॉरवर्ड द डिमांड ऑफ सेपरेट नेशन, तो आंसर होगा 1930, ये नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, ठीक है। उसका नेक्स्ट शिफ्ट में आपका पूछ दिया गया था, पहला क्वेश्चन वहाँ पे है राइट टू एजुकेशन इन विच आर्टिकल, राइट टू एजुकेशन कौन सा आर्टिकल से रिलेटेड है, तो आंसर होगा आपका आर्टिकल 21A से रिलेटेड, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आगरा समिट वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, तो आंसर होगा आपका पाकिस्तान, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड इन 64 नेशनल फिल्म अवार्ड गिवन टू, द आंसर होगा आपका जायरा वसीम, जो दंगल फिल्म के लिए मिला गया था, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द होल इन अपर पार्ट ऑफ हार्ट इज टर्म एज, द आंसर होगा आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ दिया गया था हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मिनिस्टर्स ऑफ कुमान, द आंसर होगा आपका जिम कॉबेल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द करंट इंडियन क्रिकेटर टीम कोच, तो आंसर होगा रवि शास्त्री, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ दिया गया था हु डिस्कवर डीएनए स्ट्रक्चर, तो आंसर होगा आपका जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से रिलेटेड था, जो कि क्वेश्चन था आपका हु वॉज द लास्ट ग्रेट किंग एमंग मुगल्स, तो आंसर होगा औरंगजेब, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका जीडीपी से रिलेटेड इस सेकेंड शिफ्ट में भी पूछ दिया गया था, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्ट्रेट मतलब क्या होता है, तो स्ट्रेट का मीन्स इसमें आप ऑप्शन वाइज देख के आसान से बता सकते थे, ऐसे यहाँ पे मैं बताया गया है आपका कि ये नैरो पैसेज ऑफ ए वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज एरिया ऑफ वाटर, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट का देखते हैं, नेक्स्ट शिफ्ट का कुछ और भी क्वेश्चन हम मिल चुका है, तो वहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है हु इन्वेंटेड ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन कौन इन्वेंट किए हैं, तो आंसर होगा आपका विलियम हार्वे, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एमंग द फॉलोइंग विच इज़ क्लासिकल लैंग्वेज, आपका इसमें आप ऑप्शन वाइज देखकर टिक कर सकते थे, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनएनपी से रिलेटेड पूछ दिया था, जिसका फुल फॉर्म आपको बताना था, जिसका फुल फॉर्म होगा आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द न्यू ऐप लॉन्च बाय द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम, तो आंसर होगा गर्व 2 के नाम से, ठीक है। एमंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर द विच इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट ऑप्शन वाइज देखकर आप इसे टिक कर सकते थे, जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ऑक्साइड आर जनरली फॉर्म बाय मेटल्स, तो आंसर होगा बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ द इमेज डज कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस, तो आंसर होगा बोथ रियल और वर्चुअल टाइप का प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेयर डिड बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सर्मन, तो आंसर होगा सरनाथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द सिटीजनशिप, तो आंसर होगा पार्ट फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, जो काफ़ी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार रिपीट कर दिया गया है, तो आंसर होगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है हाउ मेनी राज्यसभा मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, तो आंसर होगा 12, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले जितने भी SSC का ब्रांच वाइज एग्जाम होते हैं उसके लिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।